आखिर हर किसी इंडियन करेंसी नोट पे हमको गांधी जी की ही फोटो क्यों देखने को मिलती है, आइए इसके पीछे असली कारण इस वीडियो में जानते हैं। तो 1938 में सबसे पहली बार आरबीआई ने वायसराय की शक्ल की जगह नेशनल एम्बलम को हमारे नोट्स पे इंट्रोड्यूस किया था। 1996 आते आते हमें रियलाइज हुआ कि हमारे नोट्स पे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, और महात्मा गांधी के अलावा कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर ही नहीं था जो किसी स्टेट और कम्युनिटी के अलावा पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। और इसलिए 1996 में आरबीआई ने सारे नोट्स को महात्मा गांधी के फेस से रिप्लेस कर दिया।